नमस्कार देवी सजनों, आज मैं आपके लाए हूँ माँ काली का विकलांग रूप। इसे कलर करेंगे और उसके साथ डेकोरेट भी करेंगे। वो सारा प्रक्रिया इस वीडियो में आज देखेंगे, तो हमारे साथ वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी क्रैक पार्ट्स हैं मॉडल के, उसे वो रिपेयर करेंगे फेविकॉल से। तो इसे हम फेविकॉल से रिपेयर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ छूटा हुआ है और क्रैक है, उसको ध्यान में रखते हुए उसे हम रिपेयर करें। इस तरह से रिपेयर करने के बाद सूख जाए, तो उसके बाद गले में मुंड माला है और कमरबंद कटा हुआ हाथ, उसे खोल कर अलग करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, इसे इसीलिए तैयार किया था ताकि इसे खोल कर अलग करके बाकी डेकोरेट करने में सुविधा हो सके। तो इसे हम सबसे पहले एक्सटेरियर वॉल प्राइमर से वाइट कलर से कलर करेंगे। इसे फर्स्ट लेयर चढ़ाएंगे और उसके बाद और बेहतर लाने के लिए इसे दूसरा लेयर भी चढ़ा सकते हैं। ये होने के बाद माँ काली के जो बॉडी है, उसे हम स्काई ब्लू से पेस्ट चढ़ाएंगे, उसको अच्छी तरह से कलर करेंगे। धीरे धीरे आपकी सुंदरता बढ़ती जाएगी कि कहाँ बाकी है। माँ काली का जो बॉडी है, उसे हम अच्छी तरह से ब्रश से चलाएंगे, उसमें लाइनिंग स्ट्रोक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आप इसे ब्रश चलाएं। ये होने के बाद माँ काली का जो बॉडी है, उसके बारीकी चीज़ जैसे टेक्सचर हुआ, डीपनेस हुआ, इस सब चीज़ों पर भी काम करना है। तो दोस्तों, इस कलर के लिए मैंने एरेलिक वाटर कलर का इस्तेमाल किया है और ये कलर आप मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। छोटा मॉडल है तो छोटे ब्रश का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। 0 नंबर 6 नंबर ब्रश का इस्तेमाल करके इस मॉडल को कंप्लीट करने में कर सकते हैं। डीप टेक्सचर दर्शाने के लिए, शेडो डीपनेस बताने के लिए आप डार्क ब्लू का इस्तेमाल करें। जैसे कि कोने कोने जो पार्ट्स हैं, डीपनेस है, उस जगह पर हल्का हल्का ब्रश से डीपनेस दिखाएं। इसे बॉडी की जो डीपनेस है वो सामने में आता है। उसके बाद फेस पे हल्के हल्के ब्रश से डिफरेंस दर्शता है, उसे 0 नंबर ब्रश से कर सकते हैं। छोटे जगह है, उसमें छोटे ब्रश का ही इस्तेमाल करना उचित होगा। अब राक्षस के बॉडी को कलर करेंगे। उसके लिए लाइट ब्राउन का इस्तेमाल करेंगे। लाइट ब्राउन से आप पहले पूरा मिक्स कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद इस बॉडी पर पेस्ट चढ़ाएंगे। इसमें हल्का और लाइटिंग करने के लिए हल्का सा व्हाइट मिला सकते हैं और उसके बाद इसे कलर करें। जैसे ही आप ये कंप्लीट होता है दोस्तों, हल्का सूखने दें और उसके बाद डीप ब्राउन से फिर इसको डीपनेस दर्शाने के लिए इस पर जहाँ जहाँ पर बॉडी क्रैप है, टेक्सचर है, उस पर आप हल्के हल्के ब्रश से चलाएं, जैसे कि माँ काली के बॉडी पर मैंने किया। उसके बाद माँ काली का जो वस्त्र है, उसको बाकी खाल का जो रूप होता है, उसे दर्शाने के लिए लाइट येलो और डीप येलो का इस्तेमाल करेंगे और फिर ब्राउन का, इस तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसा करके बॉडी का जो और कपड़े का जो रूप आकार है वो सामने में आएगा। अब राक्षस के वस्त्र पर भी काम करेंगे। इसमें मैंने बैंगनी कलर का इस्तेमाल किया है, हल्के बैंगनी कलर का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले और उसके बाद हल्का सा डीप बैंगनी कलर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ज़्यादा और डीप करने के लिए हल्का सा ब्लैक मिला सकते हैं और उसके बाद इस तरह से तैयार होगा। माँ काली के आभूषण चूड़ियाँ, इसे हम डीप रेड और हल्का रेड कलर से कलर करेंगे ताकि वो दोनों सामने में आए। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि ये मॉडल को कंप्लीट करने में जो भी प्रक्रिया है आप ध्यान से देखें। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप भूल जाते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इसे ध्यान में रखते हुए ये ज़रूर करें। ये मॉडल को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे मनोबल को बढ़ाने में सहयोग करें ताकि और नए क्रिएटिव आपके सामने लाता रहूं।
आपको मनोरंजन और आपको नॉलेज देता रहूँ। तो दोस्तों इस तरह से अपना प्यार बनाए रखें। आगे का प्रोसेस ये है दोस्तों, आंखों पर काम करने के लिए 0 नंबर ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कलर का इस्तेमाल करने के लिए ब्लैक कलर का फैब्रिक इस्तेमाल करेंगे। ये लाइटिंग कलर होता है और आँख की खूबसूरती को और बढ़ाता है, इसलिए उस चीज़ों पर काम करना है। और फैब्रिक कलर का ही डीप जो खून कलर का रेड होता है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। अस्त्र को गोल्डन कलर से मैंने कलर किया है और उसे सावधानी से उस पर भी कलर का पेस्ट चढ़ा देंगे। तो इस तरह से आपका ये मॉडल जो तैयार होने को है, इन चीज़ों पर ध्यान में रख करना होगा तभी ये काम होगा। और उसके बाद नीचे का जो बेस है उसे मैंने येलो, लाइट ब्लू और डीप ग्रीन का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से हल्के हल्के ब्रश से इसे हम बेस को फैलाएंगे। और इस तरह से करके नीचे का जो बेस कंप्लीट होता है, उसके बाद खोपड़ी का मुंड माला है उसे मैंने ब्लैक कलर से हल्का हल्का डिपनेस दर्शाएंगे। सभी खोपड़ियों पर इस तरह से करके आप दर्शाएं, जैसे खोपड़ी की जो डिपनेस है वो सामने में आती है। उसके बाद कमरबंद, कटा हुआ हाथ, उस पर भी काम करना होगा। इन चीज़ों पर भी काम करने के लिए मैंने 2 कलर का इस्तेमाल किया है, एक येलो और दूसरा डीप ब्राउन कलर का इस्तेमाल। ये दोनों कलर अलग अलग चीज़ों से, ताकि हाथ की जो 2 कलर से दिखने को सामने में आएगा। इसी तरह से ऐसा किया, इसे पलट के दोनों तरफ कलर करेंगे ताकि जो कलर की बारीकी चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए इसकी खूबसूरती बढ़ेगी। गुलाबी कलर से हथेली को कलर किया है और कटे हुए भाग पर भी गुलाबी कलर से करें और उसके बाद इस पर फैब्रिक कलर के जो रेड है वो बेस्ट चढ़ाएं, इसे खून की तरह वो दिखता है। ऐसा करने से इसकी खूबसूरती जो है और बढ़ जाती है और रियलिस्टिक टेक्सचर दिखता है। उसके बाद जो हाँ ब्रश में कलर लग जाता है रेड, उसका भी इस्तेमाल करना जाना बहुत जरूरी है, तो अस्त्र पर वो कलर लगा दें। उसके बाद सूखने के बाद माँ काली के कमर में इस तरह से बांध देंगे ताकि वो बॉडी के अन्य पार्ट पर कलर लगे नहीं। इसी तरह से ये डिजाइन तैयार किया गया था ताकि आप इसे खोल भी सकें और फिर बना सकें। ऐसा करने से आपको सजावट में कलर करने में सुविधा होती है, इसीलिए इस चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए इस तरह का डिजाइन तैयार करना पड़ता है। ये मॉडल का जो फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होता है, अब डेकोरेशन का आता है। तो मार्केट से मैंने ये कम दामों का कोट कलेक्ट कर लिया है और इसे छोटे मुकुट बनाने के लिए मैंने इन चीज़ों को जोड़ के अलग कर लूँगा और उसके बाद पेपर पर, एक कलर पेपर पर स्केच करके उस मुकुट के अनुसार तैयार करना होगा। इसीलिए मैंने उस डिजाइन को तैयार करके सीजर के माध्यम से कटिंग कर लेंगे। जब कटिंग कर कंप्लीट हो जाता है तो इस पर जो मैंने डिजाइन कलेक्ट कर लिया है इसे मैक्सोबोन के माध्यम से अच्छी तरह से बारीकी से इसे चिपकाएंगे। छोटा मुकुट है तो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए मैंने टूल के माध्यम से इसे चिपकाने का प्रयास किया है ताकि हाथ में, उंगलियां में लगे नहीं। तो ये छोटे छोटे डिज़ाइन जो पार्ट्स हैं जो मैंने दूसरे मुकुट से एकत्र किया है उसे हम चिपकाएंगे। तो आप अपने अनुसार से इसे और बेहतर क्या कर सकते हैं, क्या क्रिएटिव से सजा सकते हैं, आप पर निर्भर करता है। इस तरह से छोटे मुकुट को आप तैयार कर सकते हैं और ये आपके सामने तैयार हो जाता है।
ये मुकुट मार्केट में अवेलेबल होता नहीं है, होता भी है तो आपको ऑर्डर से बनाना पड़ता है। ये कलाकारी को दर्शाने के लिए खुद ब खुद करना आवश्यक भी होता है। तो बहुत ही सरल तरीके से आपने सरल तरीके से ये छोटा मुकुट आपका तैयार हो जाता है। इस तरह से मुकुट आप बनाने के बाद कुछ देर के लिए इसको रिपेयर यानी सूखने के लिए छोड़ेंगे, तो बाकी मैं गले का जो माला है जो अरुण के फूल की तरह दिखना चाहिए वैसे बनाने के लिए मैंने लाल कलर का जो फूल था कपड़े का वेस्ट उसे मैंने कलेक्ट किया था और उसे सीजर के माध्यम से कटिंग करके सुई और धागे के माध्यम से इसे गुड़ाएंगे। इसको अच्छी तरह से करने के बाद इसे आप सजाने का आ गया है दोस्तों। तो मैं क्ले के माध्यम से सिर पे एक स्टेन तैयार कर लिया है और मैक्सोबॉन के माध्यम से इसे हम पेस्ट चढ़ाएंगे ताकि थोड़ा सा हवा लगने के बाद इसे जल्दी से जल्दी चिपक सके। अब मैं मुकुट को उस जगह पर लगा दूंगा और अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद ये मुकुट लग जाता है और ये छोटे छोटे बाल ये भी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये मुकुट आप और बाल इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करें, जहाँ पर मैंने गोंद लगाया था उसे आप लगा सकते हैं और बाल को अपने अनुसार से जो सेटेबल जगह पर रहे उसी लिए उसको उसी जगह पर रहने के लिए गोंद पर चिपका देंगे और सीजर के माध्यम से जो अननेसेसरी बाल इधर उधर रहते हैं उसे काट के हटा देंगे। और बाल राक्षस के सिर जो कटा हुआ है उसका भी सिर पे बाल इस तरह से अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे। ये बहुत सरल तरीका है, ये आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस है जो मैंने बनाने का प्रयास किया है, उम्मीद है ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा होगा। अब उसके बाद ये भी प्रक्रिया आपको पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए जो भी पार्ट्स होते हैं वो अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें। और मैंने मुंड माला और गले का जो माला है वो अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें ताकि वो माला भी दिखनी चाहिए और मुंड माला भी। अब ये मॉडल आपका कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो ये इस तरह से आपके सामने में कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगा है दोस्तों। तो आप अपना प्यार कमेंट के माध्यम से और सब्सक्राइब के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कला के साथ, एक नई अद्भुत कला के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और इस वीडियो को आनंद लेने के लिए और पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।